गाइस आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर जो है कल शाम को रिलीज हो चुका है। आई होप आप सभी ने देख ली होगी। सवाल ये उठता है कि ट्रेलर है कैसा और क्या ये मूवी को ब्लॉकबस्टर बना पाएगी, क्या है कितना कुछ दिख पाता है इसमें, क्योंकि सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं दबा के, जो कभी क्रिटिसाइज़ किया करते थे दबा। अब मेरी राय मानो तो मैं वीडियो में आके आपको पता चल जाएगा। अगर आदि पुरुष को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पहले, उन लोग आज तारीफ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज भी तारीफ के लायक नहीं, एक मेरी ओपिनियन है। थोड़ी बहुत री एडिटिंग हुई है, उसको सुधारा गया है, वीएफएक्स में काम किया गया है, लेकिन जितना काम किया गया है उतना काफ़ी नहीं है। जो कार्टून है कार्टून लग ही रहा है। आप बात करते हो जब अवेंजर्स की, हॉलीवुड की, तो आप उस टाइप मूवी जब बनाना चाहते हो तो आप पूरी तरह से इसको एक कार्टूनिस्ट बना दिए हो। आप इतने बजट बना, टी सीरीज जैसे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी अगर कार्टून बनाने वाला है तो उतना मायने नहीं रखता कि कितना बड़ी मूवी। मूवी मेरे ख्याल से सिर्फ दो चीज़ की वजह से चल सकती है, और मूवी 2 दिन जो चलेगी वो प्रभास के फैन फॉलोइंग की वजह से। बड़ी ओपनिंग में भी बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करूँगा इससे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको हिंदुइज्म के नाम पर, रामायण के नाम से, श्री राम के वजह से इसको कम से कम 1 हफ्ता और चलाया जाएगा। बाकी जो चलता है मूवी मूवी की स्टोरी के ऊपर है, बाकी स्टोरी तो सभी को मालूम भी है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा अपना चलने वाला। ये मूवी सिर्फ चल सकता था एक ही चीज़ के ऊपर कि ये मूवी कितना ज़्यादा अवेंजर जैसी मूवी, हॉलीवुड मूवी को टक्कर देने लायक हो। जैसे आपके पास सबसे ज़्यादा सुपर हीरोज़ है आपके बनाए के, आपके पास हनुमान थे, आपके लक्ष्मण को और ज़्यादा एक प्रकार से उसको शो किया जा सकता था, लेकिन उसको एक कैरेक्टर को जिस तरह छिपाया है, उतना रावण को जिस तरह दिखाया जा सकता था, वो चीज़ बिल्कुल छिपी हुई दिखी है, जो ट्रेलर में बिल्कुल नहीं दिखती है। मुझे नहीं लगता ये मूवी में भी दिखने वाली है। तो मूवी को जो चला सकती है उसकी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी लगभग लगभग सब लोग जानते हैं, अक्सर ऐसी कई मूवी बन चुकी है, लेकिन डिपेंड करता है इस मूवी को कितना घुमाया गया है, कितना ज़्यादा सस्पेंस और कितना ज़्यादा नए तरीके से पेश किया जाए, ये डिपेंड करता है। बाकी मेरी राय तो यही है, बाकी आप क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट जरूर करें। और देखा जा सके तो टॉप के जो यूट्यूबर्स जो बैठे जो रिव्यू करते हैं उनको तो काफ़ी मजा आए, लेकिन अगर दो तरह से देखा जाए, मूवी आप ऑन एवरेज बनाना चाहते थे तब तो ठीक लगा मेरे को, अगर आपको 200 400 500 करोड़ कमाए तो नहीं, लेकिन आप अगर कहते हो कि आज हम बड़ी मूवी बना रहे हैं, आप श्री राम पर रामायण के ऊपर जब मूवी बनाते हो तो आप कहते हो कि हम अवेंजर्स को टक्कर दे रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। और उसका 1/4 भी अगर टच कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और शायद ही ये कर पाएगी। तो थोड़ी बहुत श्री राम के नाम यूज़ कर थोड़ा अगर चलाया जाए तो शायद चल सकता है। दूसरी प्रभास 2 दिन 2 3 दिन तो खींच ही लेगी, जिस तरह का इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसमें जो प्रभास का जो फैन फॉलोइंग है, अगर उतने लोग भी जाकर देखे तो मूवी बजट तो रिकवर कर लेगी 100%। और बाकी मूवी चल सकती है सिर्फ इसकी स्टोरी किस तरह से पेश की गई है, वीएफएक्स तो उतना खास है नहीं, तो इसको हम अवेंजर से तो बिल्कुल भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। बाकी आपकी राय जरूर कमेंट करें। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।